हर खासो आम के लिए आज है खुशखबरी। आज कॉमेडी सर्कस में होगी नौटंकी। वेलकम टू सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे नौटंकी स्पेशल। आज तक अकेले स्टैंड अप कॉमेडी कईयों ने की। हमने आपको कॉमेडी की शानदार जोड़ियां दी, फिर हमने कॉमेडी पर तड़का लगाया, तीन तीन कलाकारों ने मिलकर आपको हंसाया। आज होगा कॉमेडी का महा एपिसोड। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छह छह का जोड़। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार होगी हंसी की नौटंकी। छह छह कलाकार मिलकर करेंगे एक साथ कॉमेडी। आज नौटंकी के दो दल बनेंगे। एक दल में होंगे AK-47 की स्पीड वाले कपिल और हुस्न का बारूद श्वेता, शब्दों की पकड़ वाले मंत्रा और सनसनाती शोखी पूर्वी, मिमिक्री के नए शोरूम मुबीन और मासूम कॉमेडी का गोडाउन राजीव मेहरा। इनके सामने होंगे कॉमेडी के टॉम एंड जेरी कृष्णा और लहरी, टैलेंट के प्लैनेट भारती और सिद्धार्थ जाधव, छोटा नाम बड़ा धमाल कीकू और सबसे यंगेस्ट पर एनर्जी में सबसे बेस्ट सिद्धार्थ सागर। हंसी की नौटंकी देखने के लिए जनता जनार्दन के साथ कॉमेडी के मुखिया और सरपंच भी आए हैं, तो जोरदार तालियां हो जाएं अर्चना और सुहेल के लिए। एक लड़की जब ससुराल जाती है कितने हसीन ख्वाब सजाती है। माँ जैसी सास होगी, ससुर पिता समान होगा, हर पल हर वक्त खुशियों का जहान होगा। लेकिन क्या हो अगर किसी लड़की को मिल जाए अजूबा ससुराल, सास ससुर हो लापता और बाकी सब हो गुरु घंटाल। एक नई दुल्हन के अतरंगी ससुराल की नौटंकी लेकर आ रहे हैं भारती एज अर्चना, कृष्णा एज अ चैनल पर्सन, सुदेश एज सुहेल, सिद्धार्थ जाधव एज हिमसेल्फ, किकू एज अ हस्बैंड एंड सिद्धार्थ सागर एज हिज वाइफ। इतने बड़े को चूहा बोलती है? बिल्ली को चूहा बोलती है तू? अब इसकी हम बिरयानी बनाएंगे और ये दूध वाले पोर्शन की हम खीर बनाएंगे। हमारा दिमाग खराब है, भैंस की कोई खीर बनाता है? भैंस की जब राइस की खीर बन सकती तब भैंस की खीर क्यों नहीं बन सकती? चाहो मैं तुमसे बात नहीं करती सादिक। मुझे आज भी याद है जब तुम इतने से पैदा हुए थे, मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया, गोदावरी नदी में खिलाया था। सही कह रही हो तुम गफूर। कब तक अर्चना बन बन के लोगों को पागल बनाती रहोगी? अरे हम सब मर्द टीवी पे पैसा कमाने के लिए औरत बन बन कर क्या कुछ नहीं कर रहे। अरे 3 साल से हमने आगे जिप वाली पैंट तक नहीं पहनी। अच्छा मेरे को आदत है डलवा के भी बोलती है पास मत लाओ। ऐसी बात नहीं है, अभी भी मुझे इसकी आदत है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने आज रात डिनर में 2 ड्रम पेट्रोल पिए थे, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं फट जाऊंगी। वाह तुमने पेट्रोल पिया है? मतलब तुम्हें गाड़ी की तरह यूज करके मुझे शहर ले जाना पड़ेगा? मैम शहर जाएंगे हम लोग, वहाँ पर ना क्यूट सा वो खरगोश है ना वो लेकर आएंगे हम लोग। तुम बिल्कुल भी माइंड ब्लोइंग नहीं हो। अरे वो खरगोश नहीं है, दर्शील सफारी है। मैं तेरे को ये नहीं लगती क्या? चैनल वाली ये नहीं लगती क्या तेरे को? मैं टीनू आनंद की बात कर रही हूँ। चलो ठीक है शहर जाएंगे, लेकिन थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। ये बार बार कहना है फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। अभी तो 2 साल पहले नहाई थी मैं। अरे हमसे तो अच्छा हमारा वो कचरू भाई है सिद्धार्थ जाधव, बम्बई में ज्यादा बारिश आ जाए ना तो राजस्थान चला जाता है कि बारिश की एक भी बूंद ना पड़ जाए उसके ऊपर। सही बोल रहे हो तुम। He's so clean. What the hell is going on? ये क्या अनर्थ हो गया? तुम पहली बार इतने साफ सुथरे और फ्रेश लग रहे हो। मैं फ्रेश नहीं लग रहा हूँ, मुझे सजा मिली है। मैंने अभी एक पनीर खाया और मुझे पता चला वो फ्रेश पनीर था। हे राम! क्या फ्रेश पनीर खाया तूने? हाँ। फ्रेश था, फ्रेश, फ्रेश। हाँ? ऐसे बार बार यहाँ बुझाते हो और मेरी आवाज तंबाकू जैसी बना दी है।
अभी भैया को बुलाता हूँ। भैया मैं खाऊंगा बिरयानी, मैं पतीला भी खाऊंगा, मैं बिरयानी खाऊंगा। एक मिनट, ये क्या, मैं खाऊंगा मैं क्या इधर जल चिल करने आया हूँ बस? बात सुनो, उसमें कूड़ा है तो बिरयानी किधर है? वो कूड़ेदान में ला रहे हैं बेटा, क्योंकि तुम लोगों ने खाना है, आप समझा करो। और सुनो, जब तक इजाजत ना मिले कोई भी नहीं खाएगा बिरयानी, मैं आपको बोल दूं। हाँ, इजाजत मिलेगी आप खाओ। सुनो, मैं आप सबको एक एक गाली दूंगा, आप भी मुझे एक एक गाली दो। क्यों? क्योंकि कुछ गालियां खानी पड़ती है, कुछ गालियां निकालनी पड़ती हैं, ऐसे जीवन होता है। और सुनो, मैं राखी लेके आया हूँ, मैं तुम दोनों को राखी बांधूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कैसी बात करते हो भाई? हम सब तो आपस में भाई हैं, हम कैसे राखी बांधेंगे? देखिए देखिए, मैं कोई इतना बेवकूफ नहीं, मैं सब समझता। तुम दोनों की बॉडी देखकर मुझे अपने आप को पता नहीं क्यों बहन जैसा फील होता है। इसलिए आपको मैं अपना भाई बनाऊंगा। कभी भगवान ना करे कोई भी मुसीबत आए, तो मैं चाहता हूँ वो मुसीबत आप दोनों पे आ जाए। भाई ऐसा मत बोलो, तुम मंत्र के एक्ट को जज कर रहे हो, तो मुसीबत मत बोलो प्लीज। Don't talk about mantra, okay? मंत्रा के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। वो भले कॉमेडी नहीं करता, लेकिन जनरल नॉलेज इतनी दी ना उससे, मैं क्या बताऊं? अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अन्ना नाम का उधर आदमी कोई अनशन पे बैठा हुआ है। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता था भारत कोई देश होता है। अरे वो भी कहता है वो हमारा है, हमारा। My God, आप ही बताओ ना सोहेल भाई। देखो देखो, एक बात कहूँ, मंत्रा का नाम लिया देखो गंदगी हो गई। एक बात कहूँ, आप मुझे यहाँ पे कितना मर्जी भाई भाई कहो, लेकिन हेलो, देखो एक बात याद रखना, कभी भी कूड़ा कूड़ा नहीं खाता। आप मुझे यहाँ पे कितना मुझे भैया भैया बोलो, भाई बोलो, लेकिन कॉमेडी सर्कस में सेट के ऊपर कोई भी मुझे भाई नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे सब लोग सोचते हैं, क्योंकि मेरी शक्ल सलमान से मिलती, लोग सोचते हैं उसका भाई है। अब ये बना हुआ है तो बना रहने दो, अगर मेरी शक्ल से सलमान को फायदा हो रहा है तो होने दो भाई। एक मिनट, फोन आ गया। अरे गांडा साहब का फोन आया। हेलो, हाँ निकल मैं भाई। नहीं भाई, संडे को नहीं आ सकता मैं। नहीं, इंग्लिश का कोई पंगा नहीं, वो मैं याद कर लिया मैंने। लेकिन वो सलमान भाई की शिमला में शूटिंग है भाई। नहीं, वो मुझे पता, उन्होंने नहीं आना, लेकिन ये डोले उन्होंने पहन के जाना वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास तीनों भाइयों के पास एक ही बॉडी सूट है, वही सब लोग पहनते हैं, तो इसीलिए लग रहे हैं। अंदर से तो पता ही हम क्या है। सुना मेरी बात? ओके भाई, क्या अज्जू ने? नहीं, उसने कोई मोबाइल नहीं चुराया। ना, मुझे क्या पता, वो अपना चुराता है, मैं अपना। बात बंद करो भाई। अरे ये क्या गालियों का मतलब क्या हुआ, मुंह क्यों गंदा कर रहे हो, बंद करो। अच्छा सलमान भाई की बात सुनिए ना, चलो तो सलमान भाई की एक आधी फिल्म देखते हैं, चलो। अरे क्या, उनकी तो सारी फिल्में हिट होती रहती है। अपन अपने भाई की पिक्चर देखेंगे, अपन किसान देखेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो, किसान, मैंने बहुत हो गया यार, मैंने कब से देख रहा हूँ यहाँ पे किसान की बात करके आप बेइज्जती करना शुरू कर देते हो। ठीक है, नहीं हुआ तो ना सी, लेकिन वीर मेरी बहुत सुपर डुपर हुई थी, लेकिन इन लोगों ने किसी ने देखी नहीं, तो मेरा क्या कसूर है? लेकिन उससे हमें फायदा कितना हुआ, जितने भी किसान फिल्म में टमाटर बचे थे, हमने उसको घोट के एक सॉस बनाई है, किसान टमाटर सॉस। एक मिनट, हेलो। हाँ भाई, माइंड ब्लोइंग, लड़की ला रहे हो भाई शादी के बिना? अच्छा शादी करके भाभी ला रहे हो, ठीक है, कह दिया भाई। ठीक है, मैं माइंड ब्लोइंग कर देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। भाई शादी करके भाभी ला रहे हैं, और भाभी को बोला है कि हम लोग सब बहुत साफ सुथरे हैं। ये ऐसा झूठ क्यों बोला, गलत बात है। अभी भैया ने भाभी को बोल दिया कि हम सब साफ सुथरे हैं, इसलिए हमें छुपना ही पड़ेगा। चलो छुप जाओ, मैं दिख तो नहीं रहा हूँ। तू दिख रहा है, अब तू भी दिख रहा है यार, क्या बात कर रहे तू? अरे सोहेल भाई आप भी दिख रहा है यार। मैं दिख रहा हूँ, चलो शुक्र है, इतने सारे आर्टिस्टों में मैं तो दिख रहा हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। अरे लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, छुपने की क्या जरूरत है, अपन भाभी को बोल देंगे, अपन इधर है ही नहीं। देख, क्या बोला था तू? अपन बोल देंगे, अपन इधर है ही नहीं बोलने का। इतना भी नहीं होता, क्या पता भाभी अंधी ना हुई तो।
देखो भाइयों में किसे लेकर आया हूँ, तुम्हारी भाभी। अपने गैंटे जैसा शरीर हटाओगे तभी तो भाभी दिखेगी ना। सॉरी। अच्छा, ओह हाउ क्यूट, हाउ क्यूट। चलो बिल्डअप दिया कटरीना कैफ का, सामने लिखा है मोहम्मद कैफ। नहीं नहीं एक मिनट, अरे ये भाभी एकदम साफ सुथरी है शी। ए, साफ होना अच्छी बात होती है। तो चलो भाइयों अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दो, भाभी को दे दो। चलो इंट्रोडक्शन। हेलो भाभी, इधर आओ। ये एक मिनट, ये एक मिनट, डरना नहीं, ये मेरा भाई है, इसकी हाइट से मत डरो, दिमाग इसका बिल्कुल खराब है। सुनो, यकीन नहीं आता तो पूछ लो, चैनल पे काम करता है। हाय। हाय। अरे तो पागल हो गए क्या, क्या ये जस्ट चिल चिल कर रहे हो? देखो भाभी का मुंह पे खड्डा कर दिया, इधर इधर भी लग रहा। आप देखो प्रीति जिंटा लगी ना। ए प्रीति जिंटा बोला है, शेखर सुमन नहीं बोला है। आजा तेरे को अपने मेन भाई से मिल, इधर आ। हमारे मेन भाई से मिल, गफूर भाई। ये बहुत सेटल्ड भाई हमारे, मडलैंड में बहुत बड़ा बंगला, घर में एक बीबी रखी है, परमीत सेठी बीबी रखी है इन्होंने, घर के बाहर इनकी गर्लफ्रेंड है कपिल शर्मी। बहुत सेटल्ड भाई हमारे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं 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 डार्लिंग, बस डार्लिंग आओ, मैं तुम्हें अपने सबसे फेवरेट भाई से मिलाता हूँ। ये देखो, ये है तो हमारा भाई लेकिन पाला इसे हमने नौकरों की तरह है। भाभी ऐसा मुंह मत बनाओ, इसकी शक्ल ही ऐसी है, ये काटता नहीं है। आप इसे हाथ मिला सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं, नहीं। अगर हाथ गंदा हो गया तो हम तेजाब से धो देंगे। हाथ जल नहीं जाएगा इसका? इससे तो जल ही जाए मेरे हाथ। ए! आज क्या बोली रे तू? ए आवाज नीचे कर, ए आवाज ऊपर कर। ऐसा ढोके तू, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे बोलती है? अरे कैसे बोलेगा तू, ये कैसे बोलेगा? ऐसा भाई रख कर के, अरे अरे मुझे क्या मार रहा है? इधर आ, बिना क्या कर ये सब। अच्छा छोड़ो, वो छोड़ो, ये भाभी तुमको कैसे मिली वो बताओ। ये तो बताओ, सबके सामने हमारा तो इंट्रो ले लिया लेकिन भाभी से पहली मुलाकात कैसे हुई वो तो बताओ जरा। ये उन दिनों की बात जब मैं जिम में ट्रेनर हुआ करता। मैं बता रहा था कि उन दिनों में जिम में ट्रेनर हुआ करता था और ये वहां पर वजन घटाने आई थी। मुझे दूसरी ब्रांच से भेजा था कि पहले इंस्ट्रक्टर का वजन घटाओ मोटे। एक मिनट, देखो वजन ऐसे बिल्कुल कम नहीं होता, बिल्कुल ऐसे जिम जाओ, कहीं भी जाओ। मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी वजन कम करना चाहते हैं तो आप खेलो, जितना आप खेलोगे उतना ही आपका वजन कम होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, खेल से कुछ नहीं होता, 3 साल से खेल रहे हो, आज तक वजन कम नहीं हुआ मेरा। क्या क्या खेलते हो, क्या खेलते हो? पत्ते। एक मिनट, पत्ते खेल के आज तक कभी किसी का वजन कम नहीं हुआ? तुम पागल हो पागल। मेरा मतलब है अंताक्षरी खेलो, लूडो खेलो, उससे फर्क पड़ेगा। भाभी इधर आओ, आप मुझे ये बताइए कि सुबह आपको जब उठाएं तो फ्लश टी कितने बजे दे दें? अबे बैठी होती है। अबे जिसके पानी से टी बनाएगी वो फ्लश टी होगा ना। क्या हो? कितने गंजो तुम लोग, हुआ क्या आपको? हो क्या रहा आपको? उल्टी आ रही। अरे उल्टी आ रही मुझका। अरे भाभी हम ऐसी बातें करके उल्टियां ला के भतीजे लाते हैं, हमें पता है भैया से कुछ नहीं होना, आप समझा करो। शर्म नहीं आती तुम लोग को? लीचल इंसान कहते, मैं तो कहती हूँ तुम लोगों के चक्कर मुझे पढ़ने नहीं चाहिए था। अरे एक औरत होती तो इसलिए होती है क्या? मैं सब परिवार वालों को बोलती हूँ, अगर आप लोगों को अपनी बेटी को किसी घर में भेजना है तो पहले परिवार देख के भेजो, हम लोग जिंदगी में पछताने के लिए नहीं आए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप, खबरदार जो घर में बहू आई तो तुम लोगों ने ऐसा किया तो। अरे बकवास कर रहे हो तुम लोग, भाभी को रोने दो, हटो पीछे। ओए ओए तुम लोगों ने दुखी करा है मुझको।
नाक में लगा हुआ थप्पड़ मारूंगा मैं। तूने दुखी करा मुझको तूने। रुक 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 जा, इधर आ जा। पागलों से पंगे कौन ले? इतने दुखी मेरे को लगता है इन लोग के साथ मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे पागल होने का लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं अगर तुम ऐसे पागल हुई तो हम भी दुखी हो जाएंगे। माफ कर दो, एक्चुअली हमारे घर में कोई औरत नहीं है ना, इसीलिए हमें औरत की इज्जत का एहसास नहीं है। जो पागल चले उल्लू के क्या तुम लोग? ओके ओके चलो चलो। सुनो, हम तो चाहते तुम पागल हो जाओ, क्योंकि यहाँ कॉमेडी सर्कस में सब पागल है, समझी? और अर्चना जी को भी पागलपन बहुत पसंद है। ये पागलपन 6 साल से चलता आ रहा है, अभी भी चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। सुदेश, कीकू, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कृष्णा और भारती के लिए सबसे जोरदार तालियां। जजेस, ये कॉमेडी सर्कस के इतिहास में पहली बार इस तरह की नौटंकी इस स्टेज पर पेश की गई है, तो इसके बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? Let's start with Archie. पहली बात तो कॉमेडी सर्कस, जैसे आपने बोला कि उसके इतिहास में पहली बार 6 एक्टर ऐसे एक नौटंकी पेश कर रहे हैं। एज अ थीम नौटंकी नहीं की गई कॉमेडी सर्कस में, एंड डेफिनेटली नॉट विथ 6 मेन आर्टिस्ट ऑन द स्टेज। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट शुरू किया है आज हमारे राइटर्स ने, हमारी क्रिएटिव टीम ने, एंड टू सी ऑल 6 of you टुगेदर। और जैसा कि किसने बोला कि अर्चना जी को, हाँ कृष्णा आपने बोला ना कि पागलपन बहुत पसंद है, इस एक्ट में पागलपन ही था, सिर्फ पागलपन था। अगर एक बोल रहा था लेकिन बाकी 5 भी पागलपन कर रहे थे, तो योर अटेंशन वॉज गोइंग फ्रॉम 1 पर्सन टू द अदर टू द अदर। सिद्धार्थ, ओल्डर सिद्धार्थ, हैट्स ऑफ, यू वर राइट देयर इन द मोमेंट, वेरी वेल डन सीनियर सिद्धार्थ। जूनियर सिद्धार्थ, आप तो वाकई कृष्णा और सुदेश के साथ काम कर करके वाकई में टोटली सर्टिफाइबली पागल हो चुके हैं। यू आर ऑल्सो वेरी गुड इन द मोमेंट, बोथ द सिद्धार्थ अमेजिंग। भारती, यू आर अ डिलाइट, वेरी नाइस अगेन। सारे आर्टिस्ट कंप्लीटली इन द कैरेक्टर थे। और सोहेल मेरे भाई, आप तो वो जो एक थीम और एक मोटिव आप लेकर आते हैं, बहुत मज़ेदार है वो। कम्प्लीटली मैं समझती नहीं हूँ, लेकिन उसमें समझ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन्जॉय द मोमेंट, इन्जॉय दैट रेपिटेशन। कीकू, आप पहले मैं कंफ्यूज हो गई कि ये सलमान तो नहीं है ना, क्योंकि ऐसा सलमान तो खुदा ना करे कभी हो। और सलमान की चॉइस इतनी ख़राब कभी नहीं हो सकती। एंड टैबी, कृष्णा आप टैबी बनते हैं, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। इट वॉज अ फन एक्ट, लेकिन ये बहुत ज्यादा पागल था और पागल भरपूर थे इस एक्ट में। थैंक यू आरजी। सोहेल, यू नो मैं इंडिविजुअली बात नहीं करूंगा, बिकॉज यू गाइस हैव कम एक्चुअली एज अ टीम टुडे। पहली बार ये हुआ है कॉमेडी सर्कस पे, एंड फॉर्चुनेटली आई हैव बीन हियर टू विटनेस दिस। आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट एवर। मैंने भी मतलब काफ़ी स्टेज शोज देखे हैं, फिल्में देखी है जिंदगी में, बड़ा हुआ उस माहौल में। ये कॉन्सेप्ट के साथ टू कम एंड टू परफॉर्म, इट इज़ अनडाउटेडली द मोस्ट टैलेंटेड स्टेज टू बी अ पार्ट ऑफ। मुझे ये डर था क्या ये एक्ट लंबा लगेगा, मुझे छोटा लगा। आई वॉन्ट टू सी मोर, एंड आई हैव इन्जॉयड द एक्ट थरली। यू ऑल गाइज आर अनडाउटेडली द वर्ल्ड्स बेस्ट पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ। या तो एक बार फिर भारती, कृष्णा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कीकू और सुदेश के लिए जोरदार तालियां। अनबिलीवेबल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।